ये है कहानी वीरों की, वीरों की और शूरों की, ये है निशानी शूरों की, वीरों की और शूरों की। ये है गाथा महावीरों के शौर्य और बलिदान की, ये है गाथा महावीरों के शौर्य और बलिदान की। परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं के मान की, परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं के मान की। माटी पर मर मिटने वाले प्रहरियों के सम्मान की, माटी पर मर मिटने वाले प्रहरियों के सम्मान की। वीरों की गाथा, वीरों की गाथा, वीर गाथा। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है। अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं। सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा। योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की। उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुनें। एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है? बहन जी, डाकिया। अच्छा, खोलते हैं भैया। जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या? नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है। तो कोई बड़ा है घर में? हाँ, घर पर माता जी है ना। जी बुलाइए। माँ। हाँ। भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है। अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए। ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए। अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो। माँ, माँ। लो माँ, मैं आ गया।
आपने जो काम दिया था ना वो भी हो गया। अच्छा क्या बेटा तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है। चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो। हाँ। माँ 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 बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं एक महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं। अरे वाह। बधाई हो बेटा, बधाई हो। ऐसे नहीं, बधाई हो भैया, बधाई हो भैया। अरे योगेंद्र। अरे बेटा अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में। हाँ माँ। और माँ इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे। हाँ हाँ जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए। ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को। तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून। फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है। सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना। अब युद्ध अवश्यम्भावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी। इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1,000 फुट की ऊंचाई पर थीं। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
साथियों बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं। जी साहब, जी साहब। चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलो साथियों। वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए। शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। कालिका माता की जय! दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे। इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई
लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ। योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है। अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और RS रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोताओं, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो आप हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। IVRS नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।